नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और आज की जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है पनीर कोन की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छे टेस्ट लगते हैं और इन्हें आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पनीर ली है जो कि मैंने घर पे ही तैयार किए, इसका वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगी, या आप बाज़ार के पनीर भी ला के बना सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं जिसे कटिंग कर लिया है, तो प्याज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो हरी मिर्ची कटिंग की है मैंने, तो हरी मिर्ची भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप खाना पसंद करते हैं। इसके बाद में 5 से 6 मैंने टमाटर पीस के इस तरह तैयार किए हैं। और अभी इसके बाद में हम जलाएंगे गैस। तो ये गैस जलाने के बाद में यहाँ पे मैंने रखा है प्रेशर कुकर, आप चाहें तो कढ़ाई में भी तैयार कर सकते हैं। तो 1 कड़छी यहाँ पे मैंने तेल लिया है, तेल आप जो भी खाते हैं आप ले सकते हैं। साथ में मैंने करी पत्ते भी लिए हैं। और अभी मैंने डाला है जीरा, तेल गर्म होने के बाद में हल्की सी डाली है राई, और अभी करी पत्ते डाल दिए मैंने। और इसके बाद में प्याज और हरी मिर्ची डाल देनी है, लेकिन यहाँ पे पनीर अभी नहीं डालना, अच्छे से हम भून के तैयार करेंगे प्याज और हरी मिर्ची को। आँच को मैंने थोड़ा कम कर लिया है। तो इसके बाद 1/2 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और गैस को थोड़ा फुल कर लिए हैं, हल्का सा मैंने भून लिया है नमक हल्दी में। इसके बाद में 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला मैंने, और इसके बाद में 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है मैंने, तो लाल मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इस तरह भून के मसाले तैयार कर लेने हैं, तो गैस की आँच आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह भुनने के बाद में यहाँ पे मैंने टमाटर पीसे हुए जो हैं वो डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने सेजवान सॉस लिया है, अगर आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं जो कि मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। तो हल्का सा ये डाल देंगे साथ में, तो इससे स्वाद जो है बढ़ जाता है। तो हल्का सा मैंने 1/4 चम्मच साथ में सेजवान सॉस डाला है, और हल्का सा इस तरह पकने देंगे, और इसके बाद में पनीर डाल देंगे और हल्का सा घुमा देंगे इस तरह, और बिल्कुल हल्का सा साथ में पानी डाल देंगे, जिस बर्तन में टमाटर पीस के डाले हुए थे बिल्कुल हल्का सा पानी डाले मैंने। और इसके बाद में प्रेशर कुकर का फिर हम लगा देंगे ढक्कन, ताकि जो पनीर है अच्छे से पक सके। तो इस तरह मैंने ढक्कन लगा दिया है, एक सीटी के बाद में गैस को कम कर देंगे आँच को। तो ये मैंने आँच को कम कर लिया है, और जब तक पनीर पक रही है तब तक हम यहाँ बाकी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, तो मैदे को हम छान लेंगे, जो बारीक छलनी होती है उसमें डाल के यहाँ पे छान लेना है। तो ये मैंने मैदे को छान लिया है। तो यहाँ पे 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने लिया कॉर्नफ्लावर, और अभी हम इसे भी छलनी में डाल के छान लेंगे। बारीक छलनी ली है मैंने यहाँ पे, ताकि अच्छे से छन के तैयार हो जाए। तो बिल्कुल बारीक बारीक जो छलनी आती है उसमें छान के इस तरह तैयार कर लेना है। और अब इसके बाद में डालेंगे नमक, तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। इसके बाद हल्की सी अजवाइन डाली है मैंने, हल्की सी हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और यहाँ पे डाल रहे हैं हम घी। तो घी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो छोटी साइज की चम्मच होती है वो यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ, 2 चम्मच डाल चुकी हूँ, और ये तीसरी। और अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 3 चम्मच घी में डालने के बाद में इस तरह मिक्स कर रही हूँ, आप इस तरह अच्छे से मिला लें। तो इस तरह अच्छे से मिला देना है मसाले और जो घी हमने डाले हैं। और इसके बाद में हम बीच में जो प्रेशर कुकर है उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीटी आ चुकी है, और 2 सीटी के बाद में गैस को बंद कर देना है। तो 2 सीटी हो गई है, और हम वापस आटे की तरफ आ गए हैं। तो हल्का हल्का पानी डाल के आटा गूँथ के हम तैयार कर लेंगे, तो ज़्यादा नरम आटा भी नहीं गूँथना, हल्का हल्का बिल्कुल पानी डालते हुए आटा गूँथ के तैयार करना है। तो बिल्कुल चिकना आटा इस तरह गूँथ के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, तेल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे से चिकना जैसे आटा होता है मटरी वगैरह के लिए हम गूँथते हैं वैसा तैयार कर लेना है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन हटा लिया है, आप देख सकते हैं हल्की तरी है। तो इसके लिए वापस मैंने गैस को जलाया है,
और गैस जला के हल्का सा और पकने देंगे ताकि जो तरी रह गई है वो भी अच्छे से जल जाए। और बिल्कुल हमें सूखा चाहिए क्योंकि हमें भरना है कोण के अंदर, उसके हिसाब से हमें चाहिए। तो हम लगातार थोड़ा इस तरह चलाते रहेंगे ताकि जो पानी है वो तरी है जो सूख जाएगी। तो हल्का सा इस तरह हमें पका लेना है। आप देख सकते हैं जो तरी थी वो सूख गई है और इस तरह के तैयार हो गए हैं। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और अभी हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इस बर्तन में मैं निकाल रही हूँ और ऊपर से हल्का सा पनीर और डाल दिया मैंने और फिर मिक्स कर देना है। तो इस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके अलावा आप और भी कोई सब्ज़ी डालना चाहते हैं तो आप साथ में डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे नमकीन भुजे लिए हैं और ये मैदा लिया है मैंने, और मैदा आप पानी डाल के इस तरह घोल के तैयार कर लें। हल्का सा पानी डाल के और इस तरह पतला घोल तैयार कर लेना है। तो ये मैंने घोल तैयार कर लिया है। इसके बाद में जैसे हम पूरी बनाते हैं वैसे हमें लोई बना लेनी है, और लोई बना के मैंने चकले पर रख ली है और बेलन की सहायता से बेल लेना है। और किनारियों पे हम जो मैदा घोल के तैयार किया वो रख देंगे और इस तरह हल्का सा कट लगा के और इस तरह हम कोण तैयार करेंगे। तो जैसे कोण होता है वैसे तैयार कर लेना है हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए, और बीच की परत को हम अलग करेंगे उंगली की सहायता से थोड़ा सेट कर लेंगे। इस तरह सेट कर लेना है। और जो हमने पनीर का मसाला तैयार किया है वो हम कोण के अंदर डालेंगे। तो पहले थोड़ा सेट कर लेना अच्छे से और इसके बाद में यहाँ पे मैंने हल्का सा मसाला डाल दिया है पनीर का जो हमने तैयार किए हैं, और कोण को अच्छे से बंद कर देना है। और इसके बाद में जो मैदे का हमने घोल बनाया पानी डाल के उसमें डाल के इस तरह घुमा के और फिर हम नमकीन भुजियों में इस तरह डालेंगे। तो भुजिए आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कौन से लेने हैं, जो भी आपके पास में है वो आप ले सकते हैं। और अच्छे से बंद कर देना है ताकि कोण जो है तलते समय खुले नहीं। तो इस तरह अच्छे से बंद करके और फिर आप भुजिए ऊपर से इस तरह लगा दें और इस तरह हम कोण तैयार कर लेंगे। तो अगला भी इसी तरह हमें तैयार कर लेना है जैसे हमने पहले किया है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा अलग तरीका बता रही हूँ। तो इस तरह कट लेने के बाद में हल्का हल्का मैदा जो घोल के तैयार किए किनारियों पर लगाने के बाद में हल्का सा इस तरह घुमा देंगे और फिर हम मसाला पहले ही बीच में डाल लेंगे। अगर आपको कोण बनाने के बाद में मसाला डालने में दिक्कत होती है तो इस तरह भी आप पहले मसाला भर के फिर आप कोण का आकार दे सकते हैं। तो ये आपको दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर बताया है, इस तरह कोण का आकार आपको दे देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कोण जो है बन गया है और मसाला भी अंदर अच्छे से सेट हो गया है। तो ऊपर से अच्छे से बंद कर देना है ताकि तलते समय बिल्कुल भी खुले नहीं। चाहे तो आप सूखा मैदा भी हल्का सा लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे तो, और उसके बाद में आप जो मैदे का घोल है उसमें डाल के तैयार करके फिर आप ऊपर से नमकीन लगा दें। तो बाकी भी हम कोण इसी तरह तैयार कर लेंगे जैसे मैं आपको शुरुआत में बताएं। तो जो भी तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप कोण भर के तैयार कर सकते हैं। और पनीर के जो कोण होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं। तो बंद करते समय इतना ही ध्यान रखें कि कोण खुलना नहीं चाहिए, अच्छे से बंद होना चाहिए। और मसाला उतना ही डालें जितना कि कोण में आ सके, ज़्यादा आप ना डालें। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो फिर कोण जो है बंद होने में दिक्कत होती है और बाद में फिर आपके तलते समय खुल सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि कोण जो है खुलना नहीं चाहिए। तो इतने मैंने भर लिए हैं तो इनको हम तल लेंगे और ये सेट में हो गए हैं। तो तेल मैंने गरम कर लिया है। गरम होने के बाद में फिर गैस को कम कर लेना है, फुल आँच नहीं रखनी। तो आँच को मैंने कम कर लिया है तेल गर्म होने के बाद में। तो अभी हम पहले तलना शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह जारे पे रख के फिर हम तेल में डालेंगे ताकि तेल हमारे ऊपर नहीं आए, और तेल में इस तरह डाल देना है। जारे पे रख के फिर हम डालते हैं तो तेल हमारे ऊपर नहीं आता हाथों पे, और आंच को आप कम ही रखें, फुल ना रखें।
और इस तरह घुमाते हुए हमें तल के तैयार कर लेना है। तो जितनी कम आंच पे आप तलेंगे उतने ही सही से अंदर तक पक जाएंगे, नहीं तो अगर आप फुल आंच पे तलते हैं तो ऊपर से तो पक जाते हैं, कोई भी चीज़ हम तलते हैं तो ठीक है अंदर से कच्चापन रह जाता है। तो कम आंच पे ही हमें तल के तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कम आंच पे ही मैंने तला है और बहुत ही अच्छा कलर आया है और अंदर से बाहर से अच्छे से ये पक गए हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम अच्छे से तेल झाड़ के एक छलनी में डाल देंगे ताकि जो तेल है एक्स्ट्रा वो छलनी से बाहर निकल जाए। तो इस तरह मैं छलनी में डाल चुकी हूँ और बाकी भी हम इसी तरह तेल में डालेंगे ताकि तेल हमारे हाथों पर ना आए, जारे पर रख के फिर हम तेल में डाल देंगे। और सारे इस तरह तल के तैयार कर लिए मैंने, आप देख सकते हैं कितना अच्छे बन के तैयार हुए हमारे पनीर कोन जो है। और एक बार अगर आप बनाते हैं तो बार बार बना के खाना पसंद करते हैं, सॉस के साथ में, चटनी के साथ में, चाय के साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।